हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखने वाले हैं पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज़ फॉर नीट MDS, और यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दी अनदर नेम ऑफ पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल जाइंट सेल यूपिलिस, पेरीफेरल जाइंट सेल लिपरेटिव ग्रेन्यूरोमा। ओके, सो गाइज ये MCQ आता है, ये याद रखना है आपको कि इसको पेरीफेरल जाइंट सेल यूपिलिस भी बोला जाता है और पेरीफेरल जाइंट सेल रिपरेटिव ग्रेन्यूलोमा भी बोला जाता है। ओके, अब ये जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से होता है? सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन और म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ दी एल्वियोलर बोन। ओके, सो ऐसा माना गया है कि ये ओरिजिन होता है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन से, PDL से, और या तो म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन के ऊपर जो पेरियोस्टियम होता है वो भी म्यूकोपेरियोस्टियम, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो लोकल इरिटेशन ड्यू टू डेंटल रेस्टोरेशन या फिर इल फिटिंग डेंटल अप्लाइंसेस या फिर डेंटल एक्सट्रैक्शंस या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, MCQ पूछा जाता है। तो ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, या तो लोकल इरिटेशन हो जाता है कोई भी डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल से, या फिर अगर कोई भी अप्लाइंस है लाइक डेंचर है, RPD है, तो उन सब से भी, या फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन, उन सब से ये पेरिफेरल जाइंट सेल यूपिलिस या फिर पेरिफेरल जाइंट सेल रिपरेटिव ग्रेन्युलोमा बनने के चांसेस होते हैं। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो ये वेरी यंग चिल्ड्रन में भी होता है, देखा गया है, एंड ये डेंचुलस और इडेंचुलस और एल्डरली पर्सन्स में भी होता है। ऐसा नहीं ऐसे बच्चों में ही होता है, ये एल्डरली पर्सन्स में भी होता है, इडेंचुलस पेशेंट या फिर डेंचुलस में भी होता है। ओके, फोर्थ टू सिक्स डिकेड यानी कि 40 to 60 ईयर्स के इंडिविजुअल्स में देखा गया है, फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया गया है एंड रिप्रेजेंट लेस देन 10% ऑफ ऑल हाइपरप्लास्टिक जिंजाइवल लीजन। जितने भी हाइपरप्लास्टिक लीजन होते हैं उसमें से ये 10% से भी कम देखा गया है। ओके, मोर कॉमन इन मैंडिबल देन मैग्जिला, मैंडिबल में ज़्यादा इफेक्टेड होता है MCQ, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा मैंडिबल में ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड लीजन्स आर असिम्टमेटिक एंड रैपिड ग्रोथ रेट। यहाँ सिम्टम्स कुछ भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा, बट ग्रोथ जो होगा वो रैपिड होगा, ये याद रखना है आपको। देन अटेनिंग अ साइज ऑफ 1 cm विद इन अ फ्यू मंथ, मतलब एक मंथ में आपका 1 cm तक ये ग्रेन्युलोमा ग्रो हो जाएगा, एंड ऑलवेज अकर्स ऑन दी जिंजाइवा और एल्वियुलर प्रोसेस। ये याद रखना है, ये जिंजाइवा और एल्वियुलर प्रोसेस से ही इन्वॉल्व होगा। ओके, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंटीरियर्स टू दी मोलर्स, मोलर्स के हमेशा आगे रहेगा ये। देन पेडेंक्यूलेटेड और सेसाइल लीजन दैट अराइजिंग फ्रॉम डीपर इन दी टिश्यू, तो ये पेडेंक्यूलेटेड भी रहेगा, इसके स्टॉक्स रहेंगे या फिर सेसाइल स्टॉक्स नहीं भी रहेंगे। ओके, सपोज ये ग्रेन्युलोमा है और ये टिश्यू है, तो यहाँ से अगर ये अटैच्ड है जिससे वो उसको ये पेडंकुलेटेड हो गया, पेडंकल्स होते हैं, अगर नहीं है ये तो उसको सेसाइल बोलते हैं। लीजन जो देखा गया है वो 0.5 से लेकर 1.5 cm इन डायमीटर तक होता है ऑन द फेशियल और लिंगुअल जिंजाइवल म्यूकोसा में, ऐसा देखा गया है। ये डार्क रेड कलर का होता है, वेस्क्यूलर होता है एंड हेमोरेजिक इन अपियरेंस। आपने अगर फिगर में देखा होगा इस डायग्राम में, तो यू कैन सी दिस इज़ योर ग्रेन्युलोमा जो कि एंटीरियर रीजन पे हो रहा है। ओके, रेडिश होता है, वेस्क्यूलर होता है एंड मोस्टली 1 cm से ज़्यादा ही बड़ा होता है। ओके, नाउ कॉमनली एग्जिबिट सरफेस अल्सरेशन, इसके ऊपर, इस ग्रेन्युलोमा के ऊपर अल्सरेशन भी हो जाता है। ओके, देन इडेंचुलस पेशेंट जिसमें लीजन्स अपियर समटाइम्स एज वैस्क्यूलर, ओवॉइड
और फ्यूजीफॉर्म स्वेलिंग ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द रिज, ये सारा दिखता है एडेंचुलस पेशेंट में, जो डेंचर पहनते हैं, इल फिटिंग डेंचर अगर पहन रहे हैं, बार बार वो इरिटेट कर रहा है उसके म्यूकोजा को, तो वो एज लाइक वो ग्रो हो जाएगा एज अ ग्रेन्यूलोमा, ओके, और वो वेस्क्युलर दिखेगा, ओवॉइड दिखेगा, फ्यूजीफॉर्म स्वेलिंग ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द रिज, ऐसा स्वेल्ड हो जाएगा रिज, ओके, ये 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर दिखेगा अगेन, देन ये ग्रेन्युलर मास ऑफ द टिश्यू, ऐसा लगेगा कि ये ग्रेन्युलर मास में होगा ये एकदम, सो अल्सरेशन इज लेस कॉमन इन द एडेंचुलर सिचुएशन, क्योंकि क्या होता है अगर डेंचुलस में हुआ ग्रेन्युलोमा तो उसमें अल्सरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एडेंचुलस पेशेंट होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें अल्सरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ग्रेन्युलोमा उनमें भी होता है, एंड मैंडिबल इज ऑब्जर्व इन दी मोस्ट केसेस, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो मैंडिबल है वो मोस्टली अफेक्टेड होता है इस केस में। अगर हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये नॉन एनकैप्सुलेटेड मास ऑफ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डेलिकेट रेटिकुलर और फाइब्रिलर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रमा, ये याद रखना है आपको, ये नॉन एनकैप्सुलेटेड है, ओके, तो इसमें ये एमसीक्यू पूछता है नॉन एनकैप्सुलेटेड मास, पहला एमसीक्यू यहाँ पे, कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ओवॉइड एंड स्पिंडल शेप्ड यंग कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स रहते हैं, मैं अभी आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में सिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ओके, तो अभी ये याद रखना है बस, इसमें ओवॉइड जो स्पिंडल शेप के यंग कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं, और ये जाइंट सेल्स रिजेंबल करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को, ओके, ये याद रखना है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इसमें फोकाई ऑफ हेमरेज भी आपको दिखेगा, अगर ये फिगर में आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला है स्ट्रक्चर, दिस इज योर ओवरलाइंग एपिथीलियम, जो कि सेल्स होते हैं, दैट इज योर ओवरलाइंग एपिथीलियम, 6 to 10 लेयर्स में होते हैं ये, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आता है, दिस इज योर फाइबर्स, ओके, दिस इज योर जोन ऑफ फाइबर्स सेपरेटिंग जाइंट सेल्स फ्रॉम म्यूकोजल सेल्स, सो दिस इज योर जाइंट सेल्स, तो ये जो बोल रहा है कि ये जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है वो सेपरेट करता है ये जो जाइंट सेल्स को एपिथिलियम से, इन दोनों से सेपरेट करके रखता है ये, इसमें आपको फोकाई ऑफ हेमरेज भी दिखेगा, ये रेडिश कलर का अगर आप देख सकते हैं, तो फोकाई ऑफ हेमरेज विद लिब्रेशन ऑफ हीमोसिड्रिन पिगमेंट यहाँ निकल रहा है, देन यहाँ पे जाइंट सेल आपको दिख रहा है ये, देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी दिखेंगे यहाँ पे, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पिक्यूल्स ऑफ रेटिकुलर बोन्स, सो दिस इज योर स्पिक्यूल्स, इस अगर इस डायग्राम को मैं बड़ा बनाऊँ यहाँ पे तो ये इट्स लाइक स्पिक्यूल्स, दिस इज योर स्पिक्यूल्स, ओके, तो स्पिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिव बोन ये दिखेगा आपको, तो ये सारा हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, तो वही है लिबरेशन ऑफ हीमोसिड्रिन पिगमेंट, इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन मैंने समझा दिया आपको, देन स्पिक्यूल्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड ऑस्टियॉइड और बोन आर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द वैस्कुलर एंड सेलुलर फाइब्रस लीजन में स्पिक्यूल्स दिखेंगे, ये भी सिखा दिया मैंने आपको। एपिथीलियम इज मोस्टली हाइपर प्लास्टिक विद अल्सरेशन, यहाँ पे अल्सरेशन भी देखा गया है और हाइपर प्लास्टिक सेल्स होते हैं। अगर हम रेडियोग्राफिक फीचर्स की अगर बात करेंगे तो रेडियोग्राफिक फीचर्स में क्या होता है, सुपरफिशियल इरोजन ऑफ द बोन विद पेरिफेरल कफिंग ऑफ द बोन हो जाता है, यहाँ पे पेरिफेरल कफिंग दिखता है, ओके, तो जब हम रेडियोग्राफिक फीचर्स देखेंगे तो जो हमारा बोन होगा, सपोज दिस इज योर बोन, ओके, तो जो रेडियो ओपेसिटी दिखेगा, जैसे ये बोन है तो रेडियो ओपेसिटी हेजी एकदम दिखेगा यहाँ पे, एंड कफिंग टाइप का दिखेगा, कफिंग टाइप का दिखेगा ये, तो सुपरफिशियल इरोजन ऑफ बोन विद पेरिफेरल कफिंग ऑफ द बोन ही रेडियोग्राफ में दिखेगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये, एमसीक्यू पूछता है यहाँ से। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे कंजर्वेटिव एक्सीजन इज टिपिकली क्यूरेटिव, अगर हम कंजर्वेटिव एक्साइज कर दें इसको कम्प्लीटली, हम लोग निकाल दें इसको, अगर हम कम्प्लीटली निकाल दें इसको तो इसका
हम लोग क्योर कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस बहुत एक्सेलेंट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेन्युलोमा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।